भाई साहब अभी के समय में फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, सभी जगहों पे जो है सेल चलाया जा रहा है। अभी जो है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल चलाया जा रहा है, जो कि काफी महंगा महंगा सामानों को सस्ते दामों में बेचा जाएगा। वहीं यहाँ पे अमेजोन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के नाम से सेल चलाया जाएगा, जो कि काफी महंगा महंगा सामान आपको सस्ते दामों में यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए ये सेल जो है 27 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कोई सामान परचेज करना ईएमआई पे तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए अगर आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड होता है तो यहाँ पे आपके लिए जो है बल्ले बल्ले है। यहाँ पे हर सामान जो है आप नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का जो है आपका ईएमआई मिल सकता है। अगर आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड नहीं होता, सिंपल सा मान लीजिए डेबिट कार्ड होता है या किसी प्रकार क्रेडिट कार्ड होता है और उसे आप चाहते हैं शॉपिंग करना, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट जानकारी दी है। साथ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को भी जो है कवर किए हैं, जो कि काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि बजाज ईएमआई कार्ड मेरे पास है, क्या उसे हम कोई सामान परचेस करने जाएंगे तो वहां पे डाउन पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, और जो हमारा ईएमआई आएगा क्या वो इसी मंथ फिल करना होगा या नेक्स्ट मंथ फिल करना होगा, तो ये डाउट भी जो है इस वीडियो में हम आप सबको क्लियर किए हैं। तो प्लीज हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिएगा, यहाँ पे सारा डाउट आप सबका क्लियर हो जाएगी। अब भाई साहब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड नहीं है, आप बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, वो भी मात्र 5 मिनट के अंदर में। देखो अगर आपको बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस पता है तो डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस पता नहीं है तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इस वीडियो को देखकर आप अपना बजाज ईएमआई कार्ड मात्र 5 मिनट के अंदर जो है बनाकर और उसे इंस्टेंट शॉपिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आप सबको क्लियर कर दे, जिनके पास बजाज ईएमआई कार्ड नहीं है और वो सामान ईएमआई पे परचेस करना चाहते हैं तो उनका जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफी हाई रहेगा। वहीं अगर आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड है तो यहाँ पे नो इंटरेस्ट रेट पे जो है आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है वो फटाक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर जो है अप्लाई कर कार्ड ले सकते हैं। अब देखिए भाई साहब अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड से सामान परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का नाम फिल करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट चूज करेंगे। तो मान लीजिए हमको ये फोन लेना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्राइस देखेंगे, अगर ये प्राइस हमारे बजाज ईएमआई कार्ड का जो लिमिट मिला है उसके अंदर में ये आता होगा तो यहाँ पे हम इस मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो है आप मोबाइल अच्छा से चूज कर लेना, उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ प्रोडक्ट दिखाएगा, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद अब यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह वगैरह दिखाता है, फाइनली नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, तो देखिए हमारे पास पहले से जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है। अब हमको जो है यहाँ पे बजाज ईएमआई कार्ड पे लेना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईएमआई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है गेट डेबिट एंड कार्डलेस ईएमआई एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अभी एचडीएफसी बैंक का हो गया। अगर आपके पास नॉर्मल से कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या बजाज ईएमआई कार्ड है या एटीएम कार्ड है तो उससे अगर आप कोई सामान परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, डेबिट कार्ड मिल जाता है, एटीएम कार्ड मिल जाता है, मतलब यहाँ पे तीनों चीजों से जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमको बजाज ईएमआई कार्ड से शॉपिंग करना, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बजाज ईएमआई कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीवीवी नंबर नहीं होता है, देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट का साइन दिया गया, सीवीवी नंबर नहीं होता है। फाइनली यहाँ पे जो है आपको एक्सपायरी नंबर फिल करना, एक्सपायरी नंबर फिल करना, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पे नाउ का बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे सामान परचेस हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आप क्लियर हो गए होंगे अगर आपके पास डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है तो यहाँ से आप शॉपिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओनली बजाज ईएमआई कार्ड से शॉपिंग करना चाहते हैं या आप अपना ईएमआई मंथली देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप सबको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो ईएमआई का बटन मिलता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फाइनली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस शॉप मिल जा रहा है, ठीक है। बजाज फाइनेंस शॉप पर देखेंगे यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई दिया गया, मतलब यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाएगा। फाइनली जो मोबाइल का प्राइस है वही आपको प्राइस यहाँ पे देना होगा। तो फाइनली आप यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सी प्लान दिया गया, अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ईएमआई देखने को मिलेगा। आप जो है इस प्रोडक्ट को 3 महीना के ईएमआई पे ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3 महीना तक का जो है आप अपना ईएमआई बनवा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, ठीक है। ओनली आपको जो है यहाँ पे 59 रुपया जो है पैकेजिंग चार्ज देना होगा, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है 27,098 रुपया आपको यहाँ पे देना होगा। तो फाइनली अगर आपको यहाँ पे ईएमआई 3 मंथ का जो दिया गया ये आप नहीं लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा का ईएमआई रखना चाहते हैं तो नीचे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 मंथ का आपका ईएमआई मिलता है, मतलब यहाँ पे जो है मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम जो है
सिक्स मंथ तक के लिए जो है आप अपना ईएमआई रखवा सकते हैं, जो कि आपका ईएमआई यहाँ पे 4510 रुपया का आने वाला है। इसको जो है आपको सिक्स मंथ तक फिल करेंगे, आपका पैसा कम्प्लीटली यहाँ पे सज जाएगी। तो अब फाइनली इस प्रोडक्ट को आप परचेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। फाइनली यहाँ पे आप टिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है चूज प्लान दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे जो है आप सबको अपना जो बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर नंबर दिया गया उन नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लीज ऑर्डर दिया गया, प्लीज ऑर्डर पे क्लिक कर ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऊपर में भी जो है आपका प्राइस बताया गया कि आपको 4510 रुपया ईएमआई आएगा, जो कि ईएमआई आपको इस मंथ नहीं देना है। अगर आप मान लीजिए अभी कोई सामान परचेस कर रहे हैं सितंबर में, तो ये पैसा जो है आप सबको अक्टूबर में लिया जाएगा, मतलब एक मंथ बाद जो है आपसे यहाँ पे पैसा लिया जाएगा। और यहाँ पे जो है आप सबसे डाउन पेमेंट भी एक रुपया नहीं लिया जाता, मतलब यहाँ पे जीरो रुपये में जो है इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं। जो आपका ईएमआई आएगा उसको नेक्स्ट मंथ से जो है आप फिल कर पैसा चुका सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।